जी, मैंने एक बुजुर्ग को धक्का देकर और खुद में गाड़ी में सवार हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चिनाब टीवी के लिए फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका मेज़बान इश्ताक अहमद देव आपको सलाम अर्ज करता है। नाजरीन, कहानी मेरे डोडा से जम्मू और जम्मू से डोडा सफ़र की है। ये कहानी मेरी नहीं है, ये उन हज़ारों लोगों की है जो इन हालात में कोविड-19 की इस महामारी के दौर में डोडा से जम्मू का सफ़र करते हैं। तो हुआ ये कि जब मैं डोडा से जम्मू के लिए रवाना हुआ तो मैं JKSRTC की बस में गया, जहां एक दिन पहले डोडा काउंटर से मुझे टिकट मिली। दूसरे दिन आराम से बस स्टैंड पे आके गाड़ी में सवार हुआ और जम्मू की तरफ सफ़र शुरू हुआ। लेकिन जब जम्मू से मैंने अगले 2 दिन के बाद वापस आना था तो मालूम हुआ कि यहाँ पर एडवांस टिकट जो है वो नहीं मिलती है। आपको सुबह इंदिरा चौक जाना है 5 बजे, वहाँ गाड़ियाँ आती हैं, आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपको टिकट मिलेगी। लेकिन जब मैं इंदिरा चौक जम्मू में सुबह 4:30 और 5 बजे के दरमियान पहुँचा तो वहाँ गाड़ी का हमें तवील वक्त तक इंतज़ार करना पड़ा। 1.5 घंटे के बाद जब गाड़ी आई तो मुसाफिर ज़्यादा थे, गाड़ी कम थी, तो धक्कम पेल हुई। बड़े लोग जो है वो मुझसे आगे चले गए और जब मेरी टर्न आई तो मैं भी हालात से मजबूर होकर मैंने अपने से 20-25 साल बड़े एक बुज़ुर्ग को धक्का देकर मैं गाड़ी में सवार हो गया। तो मैं और मेरे साथ जो मेरी अहलिया थी, हमको सीट मिली और फिर जो है हमको टिकट मिली। तो इससे सबक ये है, सवाल ये उठता है कि अगर डोडा में काउंटर पे एडवांस टिकट मिलती है तो जम्मू में ये सहूलियात क्यों नहीं। हालांकि बाद में दूसरी गाड़ी भी आई और लोग फिर उसमें भी सवार हुए, लेकिन पहली गाड़ी में जो है धक्कमपेल बड़ी थी और वहाँ जितने भी मुसाफिर थे वो शदीद मुश्किल का शिकार थे। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, SR जम्मू, JKSRTC के आला अहदेदारान से गुजारिश है कि इस मसले पे संजीदगी से गौर करके जम्मू में जो रामबन, बानिहाल, भद्रवाह, डोडा, गुंदो, किश्तवाड़ के लिए जो जम्मू कश्मीर SRT स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें जिन मुसाफिरों ने सफ़र करना है उनके लिए एक दिन पहले जम्मू में किसी जगह पे उनको टिकट फराहम हो, ताकि अगले रोज़ जब उन्हें सफ़र करना हो तो उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नए मसले के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब।